आईपीएल 2024 का 67 मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला गया। भले ही मुंबई ये मैच हार गई हो, लेकिन टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले फॉर्म हासिल कर ली है, क्योंकि उन्होंने शुक्रवार रात LSG के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाज करते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ा। मुंबई और लखनऊ की टीमें आईपीएल 2024 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। दोनों टीमों ने शुक्रवार को अपना टूर्नामेंट का आखिरी मैच बानखेड़े में खेला। मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की तरफ से शानदार बल्लेबाजी हुई और टीम ने स्कोरबोर्ड पर 214 रन बना लिए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई और 38 गेंद में 68 रन ठोक डाले, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। आईपीएल 2024 का 67 मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला गया। केएल राहुल की टीम ने MI को 18 रन से हरा दिया। इसी के साथ दोनों टीमों का सफर इस टूर्नामेंट से समाप्त हो गया। मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं लखनऊ के खाते में भले ही 14 अंक हों, लेकिन उसका नेट रन रेट -0.667 है। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।